दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। देखिए, कॉमन कार्प या ग्रास मछली के शिकार के लिए एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे जिसका चारा बनाया जाता है और बहुत आसानी से उसका शिकार, मतलब उस चारा से शिकार किया जाता है। तो दोस्तों वो दो तरीका से उसका आप चारा बना सकते हैं। पहले मैं उसका नाम बताता हूँ। देखिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डॉकवीड या लेमिना माइनर। दोस्तों हमारे तरफ लोकल नाम मैं बताऊंगा, हमारे तरफ उसको बोलते हैं काई। इसके लिए मैं ज़रूरी समझा कि पहले आपको इंग्लिश में उसका नाम बता दूं। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है कि काई किसको बोलते हैं दोस्तों, तो आप सर्च कर सकते हैं लेमिना माइनर या कॉमन डॉकवीड के नाम से। वो एक जलीय पौधा है, माने मतलब पानी में पाया जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं उसको करीब से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है और उसका हम चारा कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको आप देखिए, पहचानिए और उसको स्टोर करिए, मतलब पानी से निकालिए, निकाल करके उसको आप सुखा करके रख लीजिए। आप दो तरीके से उसका चारा बना सकते हैं। एक तो ग्रीन, जब आप निकालेंगे बिल्कुल हरा है, ताज़ा पानी से आपने निकाला है, उसको तुरंत मसलिए, मसल करके आप उसका चारा बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि फ्यूचर के लिए आप, जब ये चीज़ नहीं मिलेगा उस टाइम के लिए आप स्टोर करके रख लीजिए, ताकि आप जब भी शिकार करेंगे ग्रास मछली का या कॉमन कार्प का, तो आपको कमी महसूस नहीं हो उस चीज़ का। तो चलिए दोस्तों मैं करीब से दिखाता हूँ और आप देखिए उस लोकेशन को कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों शैवाल जैसे आप तलाशते हैं, उसी तरह से शैवाल के जैसे आप, मतलब शैवाल जहाँ पाया जाता है, जिस तरह से ठहरा हुआ पानी होता है उसमें शैवाल मिलता है आसानी से, उसी तरह से आपको ये जो हम काई बता रहे हैं या कॉमन डॉकवीड जिसका नाम है या लेमिना माइनर है, वो भी ठहरा हुआ पानी में मिलता है। तो चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। दोस्तों आप स्टोर करेंगे, स्टोर करके उसको रख लेंगे। आइए हम चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। दोस्तों इस लोकेशन को आप देखिए, देखिए यहाँ पर आपको कॉमन डॉकवीड दिखाई देगा जो ग्रीन कलर का। नीचे देखिए आप ज़मीन में, पानी के अंदर, पानी के ऊपर जो देख रहे हैं आप, वही कॉमन डॉकवीड है। दोस्तों मैं करीब से ले चल के आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है। दोस्तों आप अभी से इसको स्टोर करके रख लीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आप कॉमन कार्प या ग्रास मछली को, सिर्फ कॉमन डॉकवीड जो है उसको मसल करके खिलाएंगे ना। अगर मछली पाले हुए हैं आप, तो कॉमन डॉकवीड आप पानी में डाल देंगे, मछली तुरंत खाना शुरू कर देगी। तो आप देखेंगे ग्रास मछली या कॉमन कार्प मछली जो होती है, इसको बहुत शौक से खाती है दोस्तों। तो इसको शिकार करने के लिए हम जब इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट जो ये सिर्फ जो कॉमन डॉकवीड है, इसको आप चारा में डालेंगे तो मछली आपको शिकार करने में परेशानी होगा, क्योंकि ये पानी में तुरंत घुल जाएगा। तो इसके लिए क्या मिला करके हम चारा बनाएंगे, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले हम आपको इसको करीब से ले चल के दिखाते हैं ये होता कैसे है। चलिए पास में। दोस्तों देखिए मैं पास में आ चुका हूँ और मैं इसको थोड़ा हाथ में निकाल करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए ये किस तरह से है। इसको थोड़ा मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो ये है कॉमन डॉकवीड। जब भी आप शिकार करने का आप कोशिश करेंगे कॉमन कार्प के लिए या ग्रास मछली के लिए, तो इसको आप स्टोर करके अभी रख लीजिए। और जब शिकार करना हो, थोड़ा सा दो चम्मच इसको सुखा करके, अगर आपने रखा है तो दो चम्मच, और ग्रीन है तो कम से कम एक मुट्ठी ले लीजिए। इसको मसल दीजिए, मसल करके आप चारा बनाइए। चारा बनाने की विधि मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पहले आप पहचान कर लीजिए कि ये कॉमन डॉकवीड होता कैसे है दोस्तों, और स्टोर करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका चारा हम किस तरह से बनाते हैं। आइए थोड़ा सा पास में और चल के मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों अगर ग्रीन कलर का इस तरह का भी आप पानी में इस तरह ले जा करके आप डालेंगे, तो देखेंगे ग्रास मछली या कॉमन कार्प इसको बहुत आसानी से खाती है दोस्तों। अगर आपको आजमाना है कि ये मछली इससे शिकार होगी कि नहीं, तो आप इस तरह से ग्रीन पानी में से निकालिए, और जहाँ ग्रास और कॉमन कार्प मछली हो वहाँ पे थोड़ा देर डाल करके आप वेट कीजिए। देखिए इसको मछली लूट जाएगी सब दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे शिकार कीजिए दोस्तों। शिकार करने के बाद वापस आकर के हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।